नो। अरे भाभी जी आइए आइए अंदर आइए। हाँ। बैठिए यहाँ पर बैठिए। हाँ बैठिए। चाय कॉफी कुछ लेंगे आप? नहीं नहीं आप छोड़िए ना, वैसे आपकी लड़की कहीं पे दिख नहीं रही है, घर पे नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं वो घर पर ही थी, बस अभी अभी कॉलेज के लिए निकली है। क्या शाम को कहाँ का कॉलेज? अरे वो सामने यूनिवर्सिटी का एग्जाम है ना, इसीलिए स्पेशल इवनिंग का क्लास चल रहा है। अच्छा आपको पक्का पता तो है ना? हाँ मुझे पक्का पता है। क्यों आपको डाउट क्यों हो रहा है भाभी जी? अरे नहीं नहीं भाभी जी मुझे डाउट नहीं हो रहा है, पर वो क्या है ना आजकल का जमाना बहुत बदल गया है। कल पता है मैंने शर्मा जी की बेटी को कहाँ पर देखा था? कहाँ? अरे वो रोड के पास झाड़ियों में। क्या झाड़ियों में? किसके साथ? अरे वो पास के गांव के गुप्ता के बेटे के साथ। क्या बोल रहे हो आप? आपने पक्का सही देखा था ना? हाँ हाँ मैं तो उसी रास्ते से गुजर रही थी और झाड़ियाँ हिल रही थी। हिल रही थी मतलब आपने उनकी शक्ल नहीं देखा? अरे भाभी जी शक्ल देखने की जरूरत ही क्या है, वो दोनों उसी रास्ते से रोज बाइक में चिपक के घूमते हैं। और उस वक्त झाड़ियों के पास के दुकान में गुप्ता के बेटे का बाइक भी रखा हुआ था। क्या भाभी जी आप भी अंधेरे में तीर चलाते हो, इसका मतलब थोड़ी ना है कि शर्मा की बेटी भी वहाँ थी। अरे तुम चुप करो मैं जूम कर ही पता लगा लेती हूँ। मैं तो कहती हूँ अपनी बेटी को भी अकेले मत छोड़ो, उसके पीछे पीछे जाया करो, पता नहीं कब क्या कर बैठे। पता है मेरी बेटी कितनी संस्कारी है, मैं हमेशा उस पर अपनी काली नजर मतलब तीखी नजर बनाए रखती हूँ। और इतना अच्छा संस्कार उसको दिया ना क्या बताओ, हमेशा इतना लंबा ड्रेस पहनती है, मुंह आंख ढक्के चलती है, किसी के साथ नजर नहीं मिलाती और तो और लिपस्टिक भी नहीं लगाती। हाँ भाभी जी आपने सही कहा, आगे से अपनी बेटी पर नजर रखूंगी। अब चलिए छत पर घूम कर आते। हाँ चलिए चलिए। हाँ आइए आइए। घर पर हमेशा हाँ। अच्छा नहीं लगता हाँ। बाहर थोड़ा अच्छा लगता बहुत है। अच्छा लग रहा है यहाँ हाँ। वैसे आज आपने क्या खाना बनाया है? ज्यादा कुछ नहीं, मटर पनीर और पराठा ये सभी बनाया। ये सब हमारे घर में नहीं चलता। वो कौन है? तो जाने किसकी बेटी है? कौन है ये? क्या कर रही है ये? जी 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 हाँ 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 जी। देखो देखो मैंने आपको बताया था ना, देखो आजकल की लड़कियाँ कितनी बेशरम होती है, पता नहीं किसकी लड़की है। सोचिए इसका माँ बाप भी कितना घटिया होगा, लड़की को संस्कार ही नहीं दिया। भाभी जी ये तो आपकी संस्कारी बेटी है। अरे आंटी जी आप जीते रहो बेटी जीते रहो, तुम्हारी माँ के संस्कार बहुत अच्छे हैं। वैसे बच्चों को भी तो हक है ना अपनी मर्जी से जिए, हम कहाँ मनमानी कर सकते हैं। और आजकल वैसे भी शादी ब्याह का खर्चा बहुत बढ़ गया है। तू चल अब चल। अरे रिया वो तुम्हारे भैया के लिए चाय बनाने जा रही थी कि देखा चीनी खत्म हो गया और अभी दोपहर को दुकान भी बंद है, थोड़ा सा चीनी मिलेगा यार? हाँ क्यों नहीं मैं अभी लाती हूँ। A few moments later कहाँ गई कमीनी? ये लो भाभी जी। शुक्रिया। हाँ ठीक है। क्या हुआ भाभी जी? अरे रिया वो चीनी लेकर पानी गरम किया तो देखा अभी जस्ट चाय पत्ती खत्म हो गया, थोड़ा सा चाय पत्ती मिलेगा? हाँ हाँ मैं जरूर देती हूँ। ये लो। शुक्रिया। ठीक है कोई बात नहीं।
अब क्या बताऊँ यार, अभी अभी जस्ट बिस्किट खत्म हो गया, दो चार बिस्किट दे दो ना। हाँ रुकिए, ये लीजिए, पूरा पैकेट ही ले लीजिए। शुक्रिया, शुक्रिया। अब क्या हुआ भाभी जी? वो डिनर के लिए घर पे सब्जी नहीं है, थोड़ा सा सब्जी दे दो ना। रुकिए मैं अभी लाती हूँ। ये लीजिए। और कुछ चाहिए तो नहीं, नहीं ना? अभी के लिए नहीं। हाँ ठीक है। फिर से? वो अभी जस्ट मेरा मेकअप खत्म हो गया, थोड़ा सा मेकअप दे दो ना, मुझे अभी अभी जल्दी पार्टी के लिए निकलना है। रुकिए। ये लीजिए। ये अब क्या चाहिए आपको? वो क्या बताऊँ, बार बार मांगना ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप एक काम करो, आप ये पूरा का पूरा अपना घर मुझे दे दो, और तो सबसे अच्छा होगा ये घर और ये जमीन की कागजात आप लेकर आ जाओ। मैंने क्या किया? हाँ जी अंकल जी। सुन लो, तुम्हारे घर पे जो लोग आते हैं ना, वो सब अपने चप्पल मेरे घर के सामने रखता है, ये सब नहीं चलेगा आगे से। ठीक है, मैं सबको बता दूंगी, आगे से याद रखना। हाँ जी। सुनिए, आप अपने काम वाली भाभी को बोलना कि झाड़ू थोड़ा धीमी लगाए, सारी धूल मिट्टी मेरे घर तक चले आते हैं। ठीक है, मैं उसे बता दूंगी। अब क्या हुआ? सुनिए, वो आपने जहाँ गाड़ी लगाया ना, वो मेरा जगह है, मेरा, वहाँ से इमीडिएट गाड़ी को हटाना पड़ेगा। चलिए। ठीक है। फिर से आ गया ये मनुष्य चेहरा। देखिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मेरे उपवास के दिन आपके घर से अच्छे अच्छे खाने का स्मेल मेरे घर तक नहीं आना चाहिए, याद रखना। अबे साला बुड्ढा सुसर,